सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पर जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाग बगीचा में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, आज हम ग्रो करने वाले हैं उस प्लांट को जो कि सर्दियों में सबका चहिता होता है, सब कोई पसंद करता है इसको अपने गार्डन में लगाएं। तो चलिए आज हम इसे ग्रो करने वाले हैं गर्मियों के मौसम में और इससे हम किस तरह से फ्लावर पा सकते हैं उस बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो फिर मेरा आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप भी गर्मियों में इसका लुत्फ उठा सकें। यहाँ पे दोस्तों वीडियो देख के आप 100% समझ गए होंगे कि ये कौन सा पौधा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है सर्दियों का राजा मेरीगोल्ड यानी गेंदे का पौधा। दोस्तों, क्या आपको मेरीगोल्ड का प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद है? अगर पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आखिर क्या वजह है कि आप इसको पसंद करते हैं। दोस्तों, ये वही प्लांट है जो कि मैं मालदा टाउन से लेके आया था और मैं 5-5 रुपए करके 4 प्लांट लेके आया था और यहाँ पे मैं चारों प्लांट को ही एक डब्बे में रख दिया हूँ और उसमें थोड़ा सा मिट्टी मैंने डाल दिया था क्योंकि मैं इसके साथ और भी कई सारे प्लांट लेके आया था और सभी को एक साथ ग्रो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस डब्बे में इसको सारे के सारे प्लांट को रख दिया और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया और इसमें मैं वाटरिंग करता रहा। और कुछ दिनों के बाद हमारा चारों प्लांट्स में से एक प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है, ये मर चुका है और बाकी हमारा 3 प्लांट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए अब हम तीनों प्लांट को ही ग्रो करते हैं, बाकी एक प्लांट को फेंक देंगे और देखते हैं कि इन तीनों में से कोई एक बचता है कि नहीं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम इसके लिए सॉयल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ नॉर्मल गार्डन सॉयल। अगर आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो तो आप उसमें 10 से 20% सैंड मिला सकते हैं, बाकी नॉर्मल गार्डन सॉयल भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा कंपोस्ट, लगभग 2 मुट्ठी भर कंपोस्ट है और उसके बाद हम इसमें लेंगे 6 से 7 दाने DAP के। DAP के दाने देने का मकसद यह है कि इसका रूट लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और उसके अलावा इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छा करेगा। दोस्तों, ये जो मैं पॉटिंग सॉयल तैयार कर रहा हूँ वो एक प्लांट के लिए है और ये 12 इंच का पॉट के लिए है और अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, फ्लावर वाले प्लांट पर आप केमिकल कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल वाले प्लांट पर बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए अब हम उसके बाद ले लेते हैं 2 से 5 ग्राम पोटास। पोटास से यही फ़ायदा होगा कि इसमें जब फ्लावर खिलेगा तो उसका चमक बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, काफ़ी खूबसूरत होंगे। और उसके बाद हम लेंगे उसमें 2 चम्मच नीम खली, 2 टीस्पून नीम खली हमने इसमें ऐड कर लेंगे। नीम खली देने से हमारा जो प्लांट है उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा, सॉयल में चींटियाँ नहीं पकड़ेंगे। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम पॉट में सॉयल को भर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह पॉट के ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ पत्थर रखेंगे ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना हुआ रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ पत्थरों के टुकड़े रख रहा हूँ, लगभग 1 इंच का लेयर बनाना है ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना हुआ रहे क्योंकि ये सैंडी सॉयल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉयल है। तो चलिए अब हम पॉट में इसे भर लेते हैं, लगभग आधा पॉट हम इसे भर लेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद हम अपने प्लांट को निकाल लेते हैं इस पॉट से। यहाँ पे हमने चारों प्लांट को ही लगा रखा है, डाल रखा है और चलिए चारों प्लांट को ही हम अलग अलग कर देते हैं। और दोस्तों, प्लांट को निकालते समय चाहे वो पॉली बैग में हो या बड़े पॉट में हो, प्लांट को पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो रूट्स है चारों ओर से फैल चुके हैं क्योंकि मैंने लगभग 1 हफ्ते तक इसको ऐसे ही रख दिया था। तो चलिए अब हम चारों प्लांट को अलग अलग करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे रूट बॉल को तोड़ेंगे नहीं बल्कि इसको हम 4 भागों में बांट देंगे कुछ इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम इस वाले प्लांट को इस पॉट में लगाऊंगा लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल देते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो सके। और उसके बाद हम प्लांट को कंपोस्ट के ऊपर रख देंगे और मिट्टी से चारों ओर से कवर कर देंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से दबा देंगे। और उसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉयल गीला ना हो जाए। और इसके बाद हम इसे 2 से 3 दिनों के लिए रख देंगे सेमी शेड में और बाद में हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में ला के रखेंगे। तो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं आप मेरीगोल्ड के प्लांट। तो चलिए अब हम बाकी दोनों प्लांट को भी लगा लेते हैं कुछ इस तरह से और देखते हैं कि इन तीनों प्लांट में से कब तक फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते के बाद अभी आप देख सकते हैं हमने जो 3 मेरीगोल्ड के प्लांट को लगाया था तो तीनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और उसमें से एक प्लांट में काफ़ी अच्छे फ्लावर भी आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। केवल 2 फ्लावर इसमें आए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जब ये पूरे प्लांट में फ्लावर खिल जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा।
लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो इसका जो फ्लावर का साइज है काफ़ी छोटा है, क्योंकि जब हम मेरीगोल्ड के प्लांट को विंटर में लगाते हैं, सर्दियों में लगाते हैं, तो उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ा फ्लावर खिलता है, क्योंकि वो हाइब्रिड वाले फ्लावर के प्लांट होते हैं। लेकिन इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर इसी प्लांट को हम सर्दियों में लगाएंगे तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि हाइब्रिड वाले होते हैं, F1 वैरायटी के फ्लावर प्लांट होते हैं, उस तरह का फ्लावर इसमें नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कौन से वैरायटी का प्लांट है, इसका सीड हमें कहाँ मिलेगा और इसको हमें कब ग्रो करना है, इसका सीडलिंग कब करना है। और अगर बात करें इसके वैरायटी के बारे में कि ये कौन से वैरायटी का प्लांट है, तो दोस्तों इसका कौन सा वैरायटी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसका प्लांट लेके आया था और जिस गार्डनर से मैं इस प्लांट को लिया था उसे भी नहीं पता था कि ये कौन से वैरायटी का प्लांट है। तो अगर आपको पता है कि ये कौन से वैरायटी का प्लांट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि ये देसी वाले मेरीगोल्ड के प्लांट हैं। आप में से कईयों ने शायद देखे होंगे कि कुछ मेरीगोल्ड के प्लांट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लगभग 6 से 7 फीट का हो जाते हैं, बिल्कुल ट्री जैसा शक्ल हो जाता है और उसमें तब भी फ्लावर आता है, तो ये वही प्लांट है। और अगर आप भी चाहते हैं कि गर्मियों में मेरीगोल्ड के प्लांट को लगाएं और उसके लिए आप सीड ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे मेरीगोल्ड के सीड मिल जाएंगे जो कि गर्मियों के होते हैं, समर के होते हैं, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। और अगर बात करें इसको ग्रो करने का टाइम के बारे में, तो किसी भी तरह का समर फ्लावर प्लांट को ग्रो करने का सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी के एंड में, और मार्च के स्टार्टिंग में आप उसे ग्रो कर सकते हैं, उसका सीडलिंग कर सकते हैं। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकें और उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।